आज बात होगी समस्तीपुर सुरक्षित लोकसभा सीट की, जहां से प्रिंस राज रालोजपा के सांसद हैं। लोजपा जब एकीकृत थी तभी उन्होंने उपचुनाव में जीत दर्ज की थी, जब उनके पिता रामचंद्र पासवान का निधन हो गया था। 2024 की लड़ाई यहां भी बेहद दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि प्रिंस राज फिर से ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, एनडीए गठबंधन के पार्ट हैं वो, और चिराग पासवान भी हैं जो कि एनडीए गठबंधन में शामिल हैं। सवाल है कि ये सीट किसके खाते में जाएगी, एनडीए का कौन उम्मीदवार होगा और आईएनडीए अलायंस का कौन कैंडिडेट हो सकता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं, रवि सर से इसी पर चर्चा करेंगे। रवि सर, समस्तीपुर सीट पर क्या देख पा रहे हैं आप, उम्मीदवार बदलेगा या सीटिंग गेटिंग गो का फॉर्मूला लागू रहेगा, और फिर इंडिया अलायंस का कौन कैंडिडेट सामने आ सकता है इस बार? देखिए, जिस तरह से समस्तीपुर सुरक्षित सीट को लेकर के जी एनडीए में घमासान है, तो इंडिया में भी कमोबेश वही स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है। एक अनार सौ बीमार वाली कहावत है वहां। लेकिन यह समस्तीपुर सुरक्षित जो लोकसभा सीट है, यह महेश्वर हजारी जो भी वर्तमान में बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, उनके परिवार को लेकर के जाना जाता है, क्योंकि उनके पिता रामसेवक हजारी वहां से भी एमपी रहे हैं और 6 बार वहां से एमएलए भी रहे हैं। उसके बाद से महेश्वर हजारी भी एक बार वहां से 2009 में लोकसभा का चुनाव जीते थे, और उसके बाद से लगातार जो है सो वह वहां से एमएलए जीतते आ रहे हैं। तो ऐसे में यह जो है सो हम ऐसे कह लेंगे, उनके महेश्वर हजारी के पिता रामसेवक हजारी से पहले उनके दादा के समय से यह माने सीट को जाना जा रहा है। तो यह 55 वर्षों का बेदाग इतिहास हम कहें तो कहीं से भी अतिशयोक्ति या गलत नहीं। अब देखिए, इस चीज को ऐसे समझिए कि, या दर्शकों को भी समझाना चाहेंगे, रामसेवक हजारी जो स्वर्गीय कल्याणपुर से विधायक है महेश्वर हजारी फिलहाल वहां, तो हाँ जी, तो रामसेवक हजारी उनके पिताजी की बात हम कर रहे हैं, महेश्वर हजारी के पिताजी की बात, तो वह रामविलास पासवान जो थे लोजपा संस्थापक, उनके मामा थे रामविलास पासवान, उनके भांजा थे। तो यह रामसेवक हजारी के, हाँ रामसेवक हजारी के जी, तो ये मामा भांजा ये लोग थे। तो यह इन लोग, यानी कि महेश्वर हजारी मेरे भाई हुए रामविलास पासवान के। हाँ हाँ, मामा और भांजा, वो मामा लगते थे वो भांजा लगते थे जी, तो भगना होता है ना वो जी। तो ये इन लोगों का है। तो ऐसे में वह जो सीट है वह पूरी तरह से अभी कब्जे में है एनडीए के। वहां पर प्रिंस राज जो लोजपा जब एकीकृत थी उस समय उसके उम्मीदवार थे, और वो अपने उनके पिता, जैसा आपने कहा कि उनके निधन के बाद से जी, रामचंद्र पासवान के निधन के बाद से उपचुनाव हुआ, उसमें 2019 में वह जो है सो उस सीट पर है। तो अब देखिए वहां से कौन उम्मीदवार होगा, बिल्कुल उम्मीदवार को लेकर के पेट फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन वहां पर सबसे बेहतर और सुटेबल कैंडिडेट जो बेदाग छवि की हम बात कह रहे हैं वह जो है सो महेश्वर हजारी है। महेश्वर हजारी बेदाग छवि के कारण ही नहीं, बहुत सरल और सुलभ और सबके लिए है वो, उस समाज के हर वर्ग के लिए है वो, इतने सरल है और सुलभ है कि समाज का हर वर्ग उनको चाहता है और उसके लिए वो काम भी करते हैं। सबसे पहले वो सीट जेडीयू के खाते में जाएगी तब तो, चूंकि वहाँ वो सीट 2014 में भी और 2019 में भी ये और उपचुनाव में भी ये कौन से खाते में रही है वो सीट? नहीं, वो ठीक है लेकिन कांग्रेस के खाते में रही है, कांग्रेस अशोक राम वहां से। हाँ, ठीक है, और वहां 7,000 वोट से हारे थे 2019 में इनसे, रामचंद्र पासवान से। ठीक है, तो वो कहने का मतलब है कि कांग्रेस के तरफ वो झुकाव दिखता है, लेकिन वो ठीक है अगर यदि अदला बदली हो सकती है सीटों की, सीटों की अदला बदली होती है, अगर यदि सीटों की अदला बदली नहीं हुई और महेश्वर हजारी को जो है सो वहां से उम्मीदवार नहीं बनाया गया इस बार, तो निश्चित रूप से महेश्वर हजारी जो है सो आईएनडीए अलायंस के नाव से उतर जाएंगे, यह भी तय मानिए आप। बड़ी बात बोल रहे हैं आप। हाँ,
उस नौका से उतर जाएंगे, क्योंकि याद है कि हम लोगों ने एक पिक्चर भी दिखाया, तस्वीर भी दिखाई थी कुछ दिन पहले, किस तरह से लोजपा जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है उनके अध्यक्ष जो ये आपके चिराग पासवान है उनके घर पर वो दिल्ली में गए थे और मिले थे, और तो वह चर्चा का बाजार, चर्चा का बाजार बिल्कुल रामविलास पासवान चिराग पासवान की पार्टी में तो शामिल नहीं हो रहे हैं, इसी तो वही हम कहना चाह रहे हैं। तो इसलिए जो है सो अगर यदि महेश्वर हजारी को INDIA अलायंस की ओर से या जदयू से उनको टिकट नहीं मिला तो वह रुकने वाले नहीं है, यह आप जान लीजिए, क्योंकि वो जितनी उनकी पकड़ है, पैठ है, समाज के सभी वर्गों में पैठ है उनकी, और वहाँ के लोग चाहते हैं कि महेश्वर हजारी इस सीट से प्रतिनिधित्व करें 2024 में। नीतीश कुमार का साथ छोड़ देंगे तब? निश्चित रूप से छोड़ देंगे। अरे तो कोई आदमी पॉलिटिक्स करता है किसी बैठने के लिए, जिस कद के वो नेता है उनको जिस तरह जाने की नाराजगी तो नहीं चल रही है? नहीं नहीं, नाराजगी और इसकी बात नहीं है, मानवन देखिए वो जिस लोकसभा जाने की महत्वाकांक्षा है, कोई महत्वाकांक्षा, वो पहले लोकसभा के MP रहे हैं, उनके पारिवारिक हिस्ट्री रही है, उनके पिताजी रहे, सब लोग रहा है, तो ऐसे में निश्चित रूप से वह जो लिगेसी है, जो उनका जो वो है, वो चाहते हैं। और देखिए कौन आदमी चाहता है, जिसको जनता ही जनार्दन है, जनता ही चाहती है, जनता ही उस कुर्सी पर बैठाती है, यह बात होता है, तो जनता उनको चाहती है। और उनका जो पारिवारिक इतिहास भी आप देख लीजिए कि किस तरह का उनका पारिवारिक, उनके पिताजी का, उनके दादा का, स्वयं उनका, हाँ हाँ लगातार उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में रहे हैं वो। 2009 में ठीक है परिसीमन हुआ, उसके बाद से यह सुरक्षित क्षेत्र बना, लेकिन उससे पहले भी जो है तो मैं कई बार, एक बार वो लोजपा के टिकट से भी वो जीते हैं, MLA रहे हैं महेश्वर हजारी जी, तो वो पहली बार हमको जहां तक याद पड़ता है तो वो वारिस नगर से पहली बार जो है सो वो टिकट पर जीते थे लोजपा के सीट से। तो यह देखिए हम बता रहे हैं रवि सर कि ये 6 विधानसभा सीट है वहां पर समस्तीपुर, कल्याणपुर, वारिस नगर, रोसरा और हयाघाट, हाँ हयाघाट और कुशेश्वर स्थान, ये सीट है, 6 सीट है, इनमें से 6 में से 3 सीट JDU के पास है, कुशेश्वर स्थान से शशिभूषण हजारी, कल्याणपुर से महेश्वर हजारी और वारिस नगर से अशोक कुमार जीते हुए, जो 3 सीट है। भाजपा के पास 2 सीट है, रोसरा से वीरेंद्र कुमार और हायाघाट से रामचंद्र प्रसाद, जबकि 1 सीट पर राजद का कब्जा रहा है, अख्तरुल इस्लाम शाहीन, वो समस्तीपुर विधानसभा सीट पर से जीते हुए हैं। तो कुल मिला के वहाँ पर महागठबंधन के खाते में 4 सीट है फिलहाल। नहीं देखिए वो 4 सीट और 6 वो सीट की बात नहीं, देखिए लोकसभा का चुनाव जो हो सो होगा वह दूसरे नेशनल प्रोस्पेक्टिव पर होगा, विधानसभा के चुनाव से एकदम इतर चुनाव होता है लोकसभा का, विधानसभा और लोकसभा। अब वही आप पंचायत स्तर पर जाइएगा दूसरे तरह का चुनाव दिखाई पड़ेगा, तो वो उस पर दूसरे तरीके से भी आप लेते हैं तो जिस समय JDU और BJP साथ लड़ रही तब जीते थे ना वो लोग 2020 में, वही वही वही, तो वैसे तो 5 सीट 6 में से NDA के खाते में कही जाएगी, तो वही वही नजर से, हाँ, तो इसलिए इस बार जो है सो जो समस्तीपुर सुरक्षित लोकसभा सीट है वह जो है, और रवि सर 2019 के जो आम चुनाव हुआ था, उप चुनाव हुआ था, उस सभी 6 सीटों पर कब्जा, मतलब सभी 6 विधानसभा सीटों पर रामचंद्र पासवान ने बढ़त बनाई थी, हाँ ये बड़ी बात है, बिल्कुल तो दोनों उपचुनाव में भी और आम चुनाव में भी प्रिंस राज में भी बढ़त बनाई थी, वही हम कह रहे हैं। तो ये इस चुनाव में जो 2000 उपचुनाव हुआ उसमें अब यहाँ पर महेश्वर हजारी का आपको जो हम बता रहे हैं, महेश्वर हजारी निश्चित रूप से INDIA अलायंस से अगर जदयू उनको टिकट नहीं मिलता है, जदयू से उनको उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है, तो जितनी वहाँ पर जो समस्तीपुर सुरक्षित सीट कह लिए या समस्तीपुर जो है सो पार्लियामेंट लोकसभा क्षेत्र से जितने भी वहाँ पर उनके चाहने वाले हैं, उन लोगों का प्रेशर है कि आपको इस बार चुनाव लड़ना है और जनता ही जनार्दन होती है, इसलिए हम जहाँ तक समझ पाते हैं कि इस बार वो देखिएगा अगर यदि नहीं होगा तो वो आपको ताल ठोकते हुए उधर से दिखाई पड़े। नहीं तो नीतीश कुमार को अवगत कराया है ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि हम यहाँ से लड़ना चाहते हैं? नहीं वो अवगत क्यों कराएगा, ये लोग कद्दावर नेता का मसला चल रहा है, बंटवारा चल रहा है भाई। देखिए ये जो है जिस कद के हैं
तो ये कद्दावर नेता में गिने जाते हैं पार्टी के अंदर। बिना बात के तो सीट हो, ये लोग तो ये लोग टिकट देखिए, ये लोग याचक की भूमिका में नहीं रहता, ये लोग देने वाले लोग हैं, ये लोग याचक की भूमिका में नहीं होंगे, ये खुद आपको देना पड़ेगा ऐसे लोगों को, अगर नहीं दीजिएगा तो ये आपको परिणाम आपके सामने दिखाई पड़ेगा, और ये सीट जो है सो INDIA अलायंस के खाते से निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा एकदम, इसको तय मानिए आप, क्योंकि इन लोगों का 55 वर्ष का इतिहास है इन लोगों का उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, इनके दादा का, इनके पिता का, इनका, तो वैसे में जो है सो निश्चित रूप से यह एक बड़ा झटके के समान होगा। अगर नहीं इमरजेंसी से पहले तक, वैसे इतिहास पर भी थोड़ा गौर करें तो इमरजेंसी से पहले तक तो यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा रहा है, लेकिन इमरजेंसी के बाद सिर्फ एक बार सिर्फ कांग्रेस जीती है और बीजेपी यहाँ से कभी नहीं जीती है, चूंकि गठबंधन में वो सीट चली जाती है कभी जेडीयू तो कभी जी। आप जिसकी बात कर रहे हैं वो बालेश्वर राम इन लोगों का वह क्षेत्र हुआ करता जी, था जी, जी। उस समय की स्थिति वो अलग थी, वो स्थिति आज की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है, अब वो चीज है भी नहीं, तो इसलिए अब और देखिए इन लोगों के जिसने इस सरल और सबसे मिलनसार व्यक्ति हैं, इसलिए इनके पास आपको वो ताम झाम वह व्यवस्था आपको जो मंत्री इसकी मिलती है वो इनके आपको नहीं मिलेगी, ये अब सरल सुलभ आदमी है तो। और सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड यहाँ पर सत्यनारायण सिन्हा के नाम पर है, 3 बार जीते हुए हैं वो, ठीक है वो पहले का, और इमरजेंसी के बाद 12 आम चुनाव हो गए उसमें से एक बार सिर्फ कांग्रेस जीती है, सहयोगी दल जीते हैं। नहीं, वही कह रहे हैं कि ये सीट पर अगर यदि फुल कंसंट्रेशन अगर यदि जदयू नहीं करता, INDIA अलायंस नहीं करता है, तो यह सीट जो है सो समस्तीपुर सुरक्षित सीट अगर महेश्वर हजारी के खाते में नहीं गई, महेश्वर हजारी को नहीं मिला, तो यह सीट, और सीट ये जेडीयू के खाते में जाने का रीजन भी बनता है सर, इसलिए कि मंजय लाल भी वहाँ ये जो है मंजय लाल 1999 में जेडीयू के टिकट पर जीत चुके हैं, वहाँ कोई लाल हो वहाँ पर देखिए समाजवादियों का तो ये गढ़ रहा है, इसमें तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो ये महेश्वर हजारी का भी जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इनके पिता का, इनके दादा का, ये समाजवादी लोग ही हैं, तो ऐसी परिस्थिति में इनके लिए बहुत ही ये सुलभ होगा कि इसको जेडीयू टिकट दे, और नहीं अगर यदि जेडीयू टिकट मिलता है तो यह निश्चित रूप से यह इस नाव से उतरेंगे और इनको जो है सो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इनको लोकने के लिए तैयार बैठी है। जनता दल यहाँ से 3 बार जीता है, राजद यहाँ से 2 बार जीता है, जेडीयू यहाँ से 2 बार जीता है, 2-3 बार लोजपा और उपचुनाव को लेकर के, ये है मतलब हाल फिलहाल का ट्रैक रिकॉर्ड, यानी कि 1980 के बाद से, नहीं 2009 में परिसीमन हुआ ना, परिसीमन के बाद का देखिए क्या ट्रैक, के बाद 2009 के बाद से वही है, हाँ वही है, वही तो हमका परिसीमन के बाद, देखिए परिसीमन के बाद तमाम जो है सो सब कुछ बदल जाता है, सिनेरियो के बाद तब जीते थे सर महेश्वर हजारी, इसीलिए बता रहे परिसीमन के बाद एक बार वो जीते हैं वहां से बने हैं, तो उसके बाद से यह अगर यदि सीट अगर अपने आप को पाले में रखना है तो निश्चित रूप से अलायंस को इनको जो है सो अपने पास रखना पड़ेगा, अगर नहीं अगर सीट मिलती है तो यह सीट इनके खाते से निकलता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा स्पष्ट रूप से। चलिए तो इसी लाइन के साथ हम इस चर्चा को विराम देते हैं कि महेश्वर हजारी वहां से चुनाव, लोकसभा का चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं, अगर INDIA अलायंस के तहत जेडीयू के खाते में सीट जाती है तब तो अच्छी बात है, महेश्वर हजारी शायद वहां से ताल ठोकते नजर आएंगे, लेकिन अगर जेडीयू के खाते में नहीं जाती है या फिर जेडीयू कैंडिडेट कोई दूसरा देता है, वैसी सूरत में महेश्वर हजारी चिराग पासवान की पार्टी से भी ताल ठोक सकते हैं, वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, ये रवि सर की अंदर की जानकारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।